स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल S2T में। आज के शो रॉकेट मंडे में हम बात करेंगे SLS वर्सेस BFR के बारे में। तो आइए जानते हैं, तो ये दोनों है क्या। सबसे पहले आप ये समझिए कि ये है जिसे हम कहते हैं सुपर हैवी लिफ्ट रॉकेट। बेसिकली ये लगभग 100 टन या उससे ज़्यादा लो अर्थ ऑर्बिट पर ले जा सकता है। तो इतना भारी वजन ले जाने का फायदा क्या है, इसे हम लोग सीधा कहते हैं इकोनॉमी ऑफ स्केल। मतलब जितना भारी चीज़ आप एक बार में भेज पाएंगे आपका दाम पर किलो कम हो जाएगा। मतलब कितना रुपया आपको पर किलो देना पड़ रहा है वो कम हो जा रहा है। ये आप ऐसे समझिए कि अगर आप 1 kg किसी को बाइक से इधर उधर करने बोलते हैं, ठीक है थोड़ा सा महंगा लगता है, ठीक है, लेकिन आप 1 kg किसी को ट्रक से इधर उधर करने, मतलब अगर आप ट्रक पूरा भर देते तब आपको पर किलो का दाम कम पड़ रहा है। ये वही है, इसको हम लोग कहते हैं इकोनॉमी ऑफ स्केल। सीधा सीधा जितना बड़ा होगा उतना कम दाम पर किलो होगा। दूसरा, किस तरह का मिशन कर सकते हैं स्पेस में, क्योंकि कोई भी चीज़ का कुछ कर नहीं सकते, आपको जो भी चाहिए वो आपको एक ही बार में भेजना पड़ेगा। तो अगर बड़ा चीज़ भेज सकते हैं, अगर भारी चीज़ भेज सकते हैं, तो आप एक बार में काफ़ी चीज़ दे सकते हैं। और जो मिशन बनाया जाएगा कि कहाँ पे जा रहे हैं, क्या स्टडी करने के लिए जा रहे हैं, मतलब मंगल जा रहे हैं, वीनस जा रहे हैं, जो भी जा रहे हैं, जुपिटर या सैटर्न जा रहे हैं, यहाँ सब जाने के लिए आपको जो ऊर्जा चाहिए, आपको जो एनर्जी चाहिए, वो बड़ा रॉकेट ही दे पाएगा, छोटा रॉकेट तो भेज ही नहीं पाएगा। और छोटा रॉकेट बहुत छोटा पेलोड भेजेगा तो कोई खास काम का नहीं है वो। इसलिए कितना स्पीड और कितना साइज़ हम लोग भेज सकते हैं उससे हम लोग का मिशन पे असर पड़ जाता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ ईंटा हम लोग स्पेस में भेज रहे हैं, मिशन पे फ़र्क पड़ता है, इसलिए बड़े रॉकेट को बनाया जा रहा है। फिर ये आता है कि साइज़ जो है एक्चुअल, मतलब कितना बड़ा वॉल्यूम, मतलब कितना लीटर वो चीज़ भेज सकता है, वो काफ़ी बड़ा रोल प्ले करता है। मतलब आप ऐसा समझिए, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है, जो कि इंसान का बनाया हुआ सबसे बड़ा स्पेस स्ट्रक्चर है, वो लगभग उसमें रहने लायक जगह, मतलब जितनी जगह पे आपको इंसान को ये नहीं पहनना है, क्या बोलते हैं, स्पेस सूट नहीं लेना है, ऑक्सीजन मास्क नहीं चाहिए, वो जगह है करीब 900 क्यूबिक मीटर। ये बड़ा जगह है, ऐसा नहीं कि छोटा, ये समझिए एक जंबो जेट के साइज़ का, जंबो जेट भी बड़ा हो जाएगा उससे, मतलब समझिए प्लेन जितना जगह दे रहा है, प्लेन के अंदर जितना जगह होता है उतना जगह प्रेशराइज्ड है, मतलब उतनी जगह में आप रह सकते हो। तो ये बहुत बड़ा नहीं है, मतलब जबकि वो 600 टन का है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और काफ़ी साल से है, काफ़ी लोग रह रहे हैं, लेकिन वो जगह नहीं है बहुत उसमें। इसीलिए जगह का फ़र्क पड़ता है कि कितना बड़ा भेज सकते हैं, उससे ये फ़र्क पड़ेगा कि कितना बड़ा मॉड्यूल भेज सकते हैं। अगर इसीलिए कोई फाल्कन 9 से स्पेस स्टेशन नहीं बनाएगा, क्योंकि बहुत सारा छोटा छोटा मॉड्यूल भेजना पड़ जाएगा और पर मॉड्यूल के हिसाब से ये आपका साइज हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग सुपर हैवी लिफ्ट रॉकेट चाहते हैं। तो BFR और SLS के बारे में ये समझिए कि दोनों में से कोई भी सक्सेस करे या फेल हो, पैसा नासा ही देगा, मिशन का खर्चा नासा ही उठाएगा। मतलब आपको ये बात पे ध्यान रखने की ज़रूरत है कि SpaceX जो है वो इलॉन मस्क ने फंडिंग करके स्टार्ट किया। इलॉन मस्क ने वो डाला जिसे कहा जाता है सीड, यू नो, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, बेसिकली आप ऐसे समझ लीजिए। उसने फाल्कन 1 बनाया, जब फाल्कन 1 सक्सेसफुली प्रूव हो गया उसके बाद नासा ने पैसा दिया। तो इलॉन मस्क ने सिर्फ फाल्कन 1 का खर्चा उठाया है, हाँ अपना खर्चा डाला, अपना मनी डाला, अपना रिस्क लिया, बात सही है, लेकिन मेन बजट जो हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त मनी था वो नासा दे रही थी। हाँ, नासा बस एक रूल लगा के दी थी कि ऐसा नहीं कि एक बार में सीधा सीधा दे रही थी, मतलब ये था कि आप जितना माइलस्टोन अचीव करेंगे उसके हिसाब से हम आपको पैसा देते जाएंगे। तो SpaceX जो है वो BFR कह रहा है कि भैया हम BFR बना के देंगे आपको, नासा को, समझिए मिशन नासा ही करेगा। तो ठीक है, ये हो गया। दूसरा ऑप्शन है SLS, जो कि एक जॉइंट वेंचर है। जॉइंट वेंचर का मतलब ये समझिए कि बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनी, हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त कंपनी मिल के बना रही है, तो वो सबका कारोबार ये संभाल रहा है। ULA, यूनाइटेड लॉन्च अलायंस, जो कि वन ऑफ दी बिगेस्ट है, मतलब काफ़ी बड़ा स्पेस इंडस्ट्री का मालिक है, समझ लीजिए अकेले खूब लॉन्च करता है। SpaceX इसलिए आजकल उतना इसके कंपेयर में आने लगा क्योंकि सस्ता लॉन्च दे रहा है, लेकिन पैसा लॉन्च, और उसके पास मिलिट्री क्लियरेंस है, मतलब स्पाई सैटेलाइट भी लॉन्च कर सकता है। SpaceX अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, मतलब काम चल रहा है, हो जाएगा, आज नहीं तो कल हो जाएगा, लेकिन समझ लीजिए कि ULA कोई बच्चा नहीं है। और ULA के साथ काम कर रहे हैं 3 कंपनी, एरोजेट रॉकेटडाइन, बोइंग, नॉर्थम ग्रामेट, ये सब मिलिट्री कंपनी है, मतलब बोइंग के बारे में तो आप जानते ही होंगे, बाकी सब मिलिट्री कंपनी है। तो ये सारे कंपनी मिलके बना रहे हैं जो नासा के लिए SLS बनाया जाएगा। तो समझिए इधर एक कंपनी है, इधर इतने कंपनी है, लेकिन एंड में खरीदेगा नासा ही, इसलिए आप इसमें कभी मत समझिए कि SpaceX कुछ कर रहा, नहीं, SpaceX चीज़ बना रहा है जो नासा खरीदेगा।
तो हम लोग BFR के बारे में देखते हैं और BFR के बारे में मेरा वीडियो आप यहाँ चेक कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं एक थोड़ा रफ आइडिया आपको देना चाहता हूँ कि BFR का सबसे बड़ा खासियत है कि वो रीयूजेबल है, मतलब आपको रॉकेट को इस्तेमाल करके फेंक नहीं देना है, तो इससे फ़ायदा होगा दाम पे। दूसरा है ये ऑर्बिटल रिफ्यूलिंग केपेबल बनाया जा रहा है। ये काफ़ी मतलब इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि अगर ऑर्बिटल रिफ्यूलिंग किया जा सके कि आप इसको ऑर्बिट में ले जाके वापस इसमें ईंधन भर देंगे, तो आप बहुत दूर तक बहुत भारी पेलोड ले जा पाएंगे। तो इसीलिए इसके ही बैक साइड में फ्यूल डॉक्स हैं, जो कि जिससे आप आराम से इधर से उधर ईंधन कर सकते हैं। तो एक शिप बनाया जाएगा जिसमें आदमी और कार्गो रहेगा, दूसरा एक सिर्फ टैंकर बनाया जाएगा। तो ये टैंकर वाला जो होगा, टैंकर आके इसके पीछे से कनेक्ट होकर इसमें फ्यूल ट्रांसफ़र कर देगा। तो पहले वाले वर्जन्स में जो BFR का सबसे पहला वर्जन आया था, जो इंटरप्लैनेटरी ट्रांसपोर्ट जो था, जो 300 टन के लिए बनाया गया था, वो उसमें करीब 6 से 7 रिफ्यूलिंग लगता। उसके बाद जो दूसरे वाले में उसमें भी बात यह है कि 4 से 3 के आसपास है। तो इसमें एकदम श्योर नहीं हो कि कितना रिफ्यूलिंग चाहिए, करीब करीब 2 से 3 कहिए आपको तो लगेगा ही। तो ऐसा नहीं कि एक रॉकेट गया सीधे मार्स पे चला जाएगा, रॉकेट गया ऑर्बिट में रहेगा, उसके बाद इस पर जाकर रिफ्यूलिंग की जाएगी। और इसका साइज समझिए कि कितना बड़ा जगह ये दे सकता है कोई भी कंपनी को, जैसे मान लीजिए नासा हो, चाहे कोई दूसरी गवर्नमेंट हो, चाहे यूरोपियन यूनियन हो, ईसा हो, तो वो सबको कितना जगह दिया जा सकता है कि भैया ये इतना जगह है, इस जगह में आपको जो बनाना बनाओ, वो इसके पास है 1000 क्यूबिक मीटर का। तो बड़ा जगह है, आप समझ सकते हैं कि 1000 क्यूबिक मीटर तो इससे भी बड़ा हो गया इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से। लेकिन ये जगह फाइनल जगह है, मतलब इस जगह के अंदर आदमी को रखना है। तो यानी जो भी लाइफ सपोर्ट सिस्टम है, यानी जो भी रेडिएशन शील्डिंग है, जो वाटर रिक्लेमेशन सिस्टम है, जितने भी चीज़ लगाए गए हैं, वो सब इससे जगह खाएंगे। तो मतलब एंड में जो एस्ट्रोनॉट्स होंगे उसको बहुत ज़्यादा जगह नहीं मिलेगा, इसीलिए ये जगह पे लोग ध्यान देते हैं कि वो बहुत सुनने में तो बहुत बड़ा लगता है, मतलब जंबो जेट के साइज़ का है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो पूरा जगह खाली आपको मिला होगा। आपको वहाँ पे बहुत सारे चीज़ लगाने पड़ेंगे, तो जैसे जैसे चीज़ लगाते जाएंगे आपका जगह कम होते जाएगा। इसीलिए स्टार्टिंग में ही लोग चाहते हैं कि रॉकेट बहुत बड़ा जगह दे। फिर बात करते हैं इंजन के बारे में। तो इसका इंजन का माइलेज जो है, जैसे कि आपको पता ही है रॉकेट का इंजन माइलेज हम लोग स्पेसिफिक इंपल्स में नापते हैं और वो पर सेकंड के हिसाब से दिया जाता है। तो इसका माइलेज जो है थोड़ा सा कम है, वो 330 सेकंड है। फिर इनका प्रिंसिपल ये है कि मतलब ये किस तरह से अप्रोच कर रहे हैं, वो ये है वन शिप टू रूल देम आउट, मतलब यही धरती से बाहर निकलेगा, यही अंतरिक्ष में रिफ्यूल किया जाएगा, यही मार्स जाएगा, यही मार्स पे लैंड करेगा, यही मार्स में रिफ्यूल करेगा, यही वापस आएगा, यही धरती के अंदर लैंड करेगा। मतलब एक चीज़ जो सब कर सके, क्या ऐसा करना संभव है? हाँ है, लेकिन मतलब तिगड़म वाला चीज़ है, क्योंकि आपको ऐसे इंजन चाहिए जो कई बार रीस्टार्ट हो सके, आपको ऐसा हीट शील्ड चाहिए जो 2 प्लैनेट में घुसना बर्दाश्त कर सके, आपको मतलब कंट्रोल सिस्टम चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, प्लस आपका पूरा स्ट्रक्चर इतना स्ट्रांग हो कि उतना तरह का लोड ले सके और उतना टाइम तक टिक पाए। तो असंभव नहीं है, बस तिगड़म है। तो इसको मजाक मत समझिए कि ये बस हम एक ही चीज़ से सब कर देंगे, ऐसा नहीं है। आपको बहुत सोचना पड़ेगा, बहुत इंजीनियरिंग लगेगी और दाम के बारे में तो सोचना ही नहीं है। हाँ, बस एक ही चीज़ आप बना रहे हैं, तो उसका अगर मान लीजिए यूज एंड थ्रो भी है तो भी, चूंकि एक ही चीज़ आपको कॉपी बनाना है, तो सस्ता हो जाएगा दाम। तो फिर आते हैं ये नासा का जो अप्रोच है, स्पेस लॉन्च सिस्टम, ये जो इन्होंने स्पेस शटल के बाद बनाया है, उसमें मेरा वीडियो यहाँ चेक कर सकते हैं। और SLS के बारे में ये समझिए कि इसको काफ़ी लोग पसंद नहीं करते हैं, और SLS के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये स्पेस लॉन्च सिस्टम नहीं, ये सेनेट लॉन्च सिस्टम है। आप पूरा डिटेल इस वीडियो में देख सकते हैं जो मैंने बनाया है, उसमें आपको डिटेल मिल जाए। मतलब ये समझिए पॉलिटिक्स काफ़ी घुसा हुआ है इसमें। तो इसका सबसे बड़ा खामियां ये है कि 2022 में इसका लॉन्च किया जाएगा, टेस्ट लॉन्च, उसके बाद भी ये एक्सपेंडेबल है। मतलब इतना आगे आ चुका है टाइम में और अभी भी इसमें कोई ऐसा टेक्नोलॉजी नहीं है जो सैटर्न 5 से बेटर हो, अभी भी यूज एंड थ्रो ही है। तो रीयूजेबल ना होने के चलते इसका दाम तो सीधा सीधा अंधेरा है, उसमें कुछ आपको सोचना नहीं है। फिर लेकिन इसमें एक तिगड़म है कि ये ऑर्बिटल रिफ्यूलिंग नहीं कर सकता, लेकिन इसे ऐसा बनाया गया है कि ये ऑर्बिटल डॉकिंग कर सके। जैसे कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को ऐसे ऐसे पार्ट बाई पार्ट जोड़ जोड़ के बनाया जाता है, इसमें भी वैसा ही सिस्टम लगाया जा रहा है। ये समझिए ये कॉन्स्टिलेशन प्रोजेक्ट का लेफ्ट ओवर है। कॉन्स्टिलेशन प्रोजेक्ट एक स्पेस शटल के बाद बनाया गया था और उस प्रोजेक्ट को कैंसिल करके, उस प्रोजेक्ट को बढ़ा करके ये बना दिया गया है SLS। तो उस प्रोजेक्ट में यही सिस्टम था कि बहुत सारे पार्ट्स जोड़ते जाएंगे अंतरिक्ष में, तब एक स्पेस में ही स्पेस स्टेशन बनाएंगे। यही है इनका मतलब मेन अप्रोच कि स्पेस में स्पेस स्टेशन बनाएंगे, क्योंकि ये लोग ऑर्बिटल डॉकिंग कर सकते हैं। और उसके बाद आप ये समझिए, ठीक है, इसका मतलब कितना जगह ये दे सकता है, ये समझिए 1800 क्यूबिक मीटर दे सकता है, मतलब 800 क्यूबिक मीटर SpaceX के ऊपर दे सकता है। तो इसका ये मतलब है कि अगर इस पर अगर आप कोशिश करें तो आपको 1000 क्यूबिक मीटर रहने का जगह मिल सकता है, और 800 क्यूबिक मीटर आपको इंस्ट्रूमेंट के लिए, लाइफ सपोर्ट के लिए, आपका बहुत सारा ये कहिए क्या बोलते हैं
रेडिएशन शील्डिंग के लिए मिल जाएगा। तो ये बड़ा जगह होना सच में फ़ायदेमंद है। ऐसा नहीं है कि कोई इतना बड़ा सामान नहीं भेजेगा, इसका रिक्वेस्ट किया गया था तभी इस डिज़ाइन को बनाया गया, जिसमें 10 मीटर मतलब 10 मीटर के डायमीटर का फेयरिंग बनाया जा रहा है। वो काफ़ी बड़ा है और मतलब जगह के मामले में तो सोचना ही नहीं, आप देख लीजिए, मतलब लगभग 2 SpaceX के बराबर ही है, 2 BFR के बराबर। और इसमें हाइड्रोजन के इंजन इस्तेमाल किए जा रहे हैं। हाइड्रोजन का इंजन सबसे ज़्यादा माइलेज देता है, मतलब इसके बारे में आपको कुछ सोचना नहीं है। माइलेज आपका अगर है एंड गोल तो हाइड्रोजन के आगे पीछे कोई नहीं आता। और इसका आप देख सकते हैं कि ये 462 पे है, तो हाइड्रोजन से भी ऊपर माइलेज मिलता है, लेकिन वो आयन प्रोपल्शन में है। और आयन प्रोपल्शन का प्रॉब्लम ये होता है कि उसका थ्रस्ट जो है, मतलब कितनी ताकत दे रहा है, वो बहुत धीरे देता है। मतलब अगर आप धरती में अपना आयन इंजन स्टार्ट करेंगे, आप पीछे हाथ रखिए, वो हिलेगा भी नहीं हाथ, वो बहुत कम ताकत देता है। लेकिन अंतरिक्ष में वो इंजन को चालू करके रख दिया जाता है, मतलब ठीक है, आपने अपना स्पेसशिप में या प्रोब पे लगाया और उसको चालू करके छोड़ दिया, मतलब 1-2 हफ्ते बाद आप देखेंगे क्या स्पीड थोड़ा बढ़ गया, 1-2 महीने बाद अरे स्पीड बहुत बढ़ गया। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा, ये धीरे धीरे जो स्पीड ऐड करते जा रहा है, ये बहुत तेज़ हो जाएगा। तो नज़दीक दूरी में इसका कोई मतलब नहीं है, आप इसको यहाँ से चांद जाने के लिए नहीं इस्तेमाल कर सकते। लेकिन हाँ, यहाँ से अगर आपको मंगल तक जाना है तो आयन प्रोपल्शन आपको काफ़ी स्पीड दे देगा, तो ये समझिए। और इस आयन प्रोपल्शन का छोटा स्थल लॉबजी, यानी जिसपे मेरा वीडियो चेक कर सकते हैं, उसमें भी टेस्ट किया जा रहा है। ऐसा नहीं कि बस लोग सोच रहे हैं, उसका टेस्टिंग किया जा रहा है। तो ये है इनका अप्रोच। तो हम बात करते हैं कि ये दोनों का अप्रोच एक दूसरे से कैसे मतलब कैसे एक दूसरे के कंपेयर में खड़ा होता है। तो पहले ये समझिए, वन टू डू इट ऑल अगर आप करते हैं, मतलब एक चीज़ बनाए जो सब चीज़ करता है, आपके पास सबसे बड़ा बेनिफिट जो आएगा वो है सस्ता, मतलब वो बहुत सस्ता हो जाएगा। जैसे कि फाल्कन 9 सीरीज का जो रॉकेट है, उसका एक ही फेयरिंग बनाया गया है। कई बार रॉकेट जो है अलग अलग फेयरिंग बनाए जाते हैं, कि मतलब जितना ज़रूरत है उसे। SpaceX सीधे एक बहुत बड़ा फेयरिंग बना डाला, बहुत बड़ा फेयरिंग इसलिए बनाया कि वो जानते थे इससे ज़्यादा बड़ा बनाया नहीं जा सकता, मतलब वेट कैरिंग कैपेसिटी नहीं है, ठीक है, तो उतना बड़ा बना दिया। अब फायदा ये कि उसी को क्लोन कर दिया, उसी मतलब ठीक है, एक बार जब समझ में आ गया इंजीनियरिंग कैसे बनाना है, अब उसी को रेप्लिकेट करते गए। अब जनरली कोई इससे छोटा सामान भेजता है, ठीक है, खाली जगह है, कोई दिक्कत नहीं है, दाम कम हो गया। तो वही अप्रोच ये रखना चाहते हैं कि वन टू डू इट ऑल, मतलब सस्ता होता है, मतलब पैसे के मामले में ये काफ़ी बड़ा एडवांटेज देता है। और ये 10-20% का एडवांटेज नहीं देता, कई गुने में एडवांटेज देता है, 2-5 गुना तक का बात कर रहे हैं। फिर दूसरा आता है जो ये मॉड्यूल है, जैसे हम लोग कहते हैं स्पेशलाइज्ड मॉड्यूल, मतलब एक मॉड्यूल बनाया जाएगा जो सिर्फ अंतरिक्ष में रहेगा, वो लैंड नहीं करेगा, तो उसमें हीट शील्ड नहीं लगाया जाएगा, तो उसमें जगह दिया जाएगा कि लोग आराम से रह सकें। फिर एक मॉड्यूल बनाया जाए जो प्रोपल्शन करेगा, जिसका काम सिर्फ इंजन की तरह बिहेव करना है। एक मॉड्यूल बनाया जाएगा जो धरती पर लैंड करेगा, एक मॉड्यूल बनाया जाएगा जो मंगल पर लैंड करेगा, एक मॉड्यूल बनाया जाएगा जो मंगल से वापस आएगा। तो ये है अप्रोच SLS का, स्पेशलाइज मॉड्यूल बना के। मतलब आप इस मॉड्यूल का आधा टेस्टिंग तो समझिए लॉबजी में ही किया जा रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं एक प्रोपल्शन मॉड्यूल है, एक क्राफ्ट का सिस्टम भी दिया गया है। तो सब मिला के ऐसा नहीं है कि SpaceX मतलब एक ही चीज़ ऐसा बनाया जो मतलब सबका अंत कर देगा। ये अप्रोच काफ़ी आसान है, टेस्टेड है, मतलब हम लोगों ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बना लिया और लॉबजी भी बन जाएगा कुछ साल के बाद। तो आप ये समझिए कि ये स्पेशलाइज्ड मॉड्यूल का बनाने से फ़ायदा होता है, क्योंकि सेफ्टी बहुत मिलती है। जैसे कि आपको पता ही होगा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में हर टाइम 2 रॉकेट रखे रहते हैं जो इमरजेंसी केस में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर SpaceX के BFR में कुछ गड़बड़ हुआ, आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास सिर्फ एक ही चीज़ है, उसमें कुछ भी गड़बड़ हुआ काम खत्म। और आप बोले नहीं नहीं कुछ गड़बड़ नहीं हुआ, अरे ठीक है आपका रॉकेट में कुछ गड़बड़ नहीं हुआ, कोई मीटियोराइड हिट कर दिया तो होता ही है। मतलब ऐसा नहीं कि अंतरिक्ष में पूरी तरह से खाली है, 99% चांस से कुछ नहीं भिड़ेगा, लेकिन कुछ भी भिड़ेगा तो वो समझिए वो सेक्शन को डैमेज कर देगा। तो इसके केस में क्या बोलते हैं, मॉड्यूलर डिज़ाइन के केस में बहुत सारे चीज़ का तो बैकअप रखा जाए, जैसे लिविंग क्वार्टर है तो 2 लिविंग क्वार्टर रहेगा, प्रोपल्शन मॉड्यूल है तो एक इमरजेंसी प्रोपल्शन मॉड्यूल भी दिया जाएगा, फिर लैंडर जो होंगे 2-3 लैंडर जैसे स्पेस स्टेशन में तो अभी हैं, मतलब आप जाके देख सकते हैं। तो इसलिए सेफ्टी के मामले में इससे नहीं भेज सकते, प्लस ये बहुत बड़ा भेज सकता है, और प्लस आप बहुत सारा चीज़ जोड़ के बहुत बड़ा बना सकते हैं। मतलब समझिए कि एक फ्लीट आप भेज सकते हैं कि हाँ एक पूरा स्पेस स्टेशन जा रहा है मंगल की तरफ, जिसमें 10-12 लोग नहीं 100-150 लोग हैं, और लैंड करने के लिए 25-26 लोग का एक मतलब अलग से क्रू बनाया गया है, उसके लिए अलग से व्हीकल बनाया गया है। तो ये अप्रोच ऐसा नहीं है कि यूज़लेस है, मतलब कि हाँ SpaceX सब चीज़ एक ही से कर सकता था तो ऐसा ही क्यों नहीं सबने किया, नहीं, इस
अप्रोच का भी फायदा है। और स्पेसएक्स का सबसे बड़ा झंझट यह है कि अगर वो लोग लैंड कर गए मार्स पे, मार्स से वापस नहीं आ सकते जब तक मार्स पे ये लोग वापस ईंधन नहीं बनाते, यानी इनको जो तेल चाहिए वो मार्स पे ही बनाना पड़ेगा, और तेल नहीं मतलब मीथेन की मैं बात कर रहा हूँ। तो उसके लिए इनको इसका इंतजार करना है। ये है क्यूरियोसिटी रोवर 2.0, बेसिकली मार्स 2020 रोवर। इसमें एक मॉड्यूल डाला जाएगा, मतलब बहुत सारे एक्सपेरिमेंट डाले जाते हैं, एक मॉड्यूल डाला जाएगा जिसका काम सिर्फ ये है कि ये पता लगाएगा कितना ऊर्जा चाहिए आपको इन सिचू यूटिलाइजेशन के लिए, मतलब वहीं के सामान से ऊर्जा मतलब काम का चीज़ निकालने में कितना लगेगा, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड हवा से खींच के उससे ऑक्सीजन निकालने में कितनी ऊर्जा लगेगी। तो जब वो ऊर्जा पता चल जाएगा तब मतलब कहिए BFR एक्चुअली आप बना सकते हैं, क्योंकि तब आपको पता चलेगा कितना सोलर पैनल चाहिए हमको ताकि मतलब ऊर्जा मिल जाए, काम लायक ऊर्जा मिल जाए, थोड़ा सा फेल सेफ रहे, थोड़ा सा यू नो ओवरहेड रहे। तो जब तक ये मिशन नहीं होता BFR रेडी नहीं रहेगा। ये रेडी है क्योंकि इसमें सिर्फ हाँ ये बोलेंगे बहुत महंगा है, बहुत बात एकदम सही है, लेकिन ये आज किया जा सकता है। तो ये था मेरा वीडियो दोनों के कंपैरिजन के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा हो, अगर ऐसा है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए। नहीं है तो कोई बात नहीं, आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। आप कमेंट लिखिए कि अगले एपिसोड में आप क्या देखना चाहेंगे, और अगर आप फ्री हैं तो बेल आइकॉन बजा दीजिए। आपने मेरा वीडियो देखा ये जान के मुझे बहुत खुशी हुई, धन्यवाद।